खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक में आज बहुमत साबित करेंगे येदियुरप्पा। सुबह 10 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विश्वास प्रस्ताव रखेंगे येदियुरप्पा। चौथी बार कर्नाटक के सीएम बने येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने का पूरा भरोसा। कहा, हमारे पास बहुमत के लिए जरूरी नंबर है। विधानसभा के मौजूदा गणित में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है। अभी बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास निर्दलीय मिलाकर 106 विधायक। कर्नाटक में बागी विधायकों के भविष्य पर सवाल। पहले 3 और कल 14 विधायक अयोग्य घोषित। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल 2023 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले, कर्नाटक में मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी नया मिशन शुरू करेगी। मंगलवार को मौजूदा हालात और चुनाव की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर पर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक। प्रधानमंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने काउंटर टेररिज्म ग्रिड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बीजेपी सांसद रमा देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर आजम खान के खिलाफ आज कार्रवाई हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष फिर से आजम को माफी मांगने को कहेंगे। अगर आजम खान माफी नहीं मांगते हैं तो फिर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने आजम को माफी मांगने की सलाह दी। अपर्णा बोली, आजम को नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात, माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे। आजम खान का बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया बचाव। आजम के बयान को बताया भावनात्मक। जम्मू कश्मीर में फोर्स बढ़ाने से आग बबूला। महबूबा मुफ्ती की धमकी। कहा, आर्टिकल 35 को हाथ लगाना बारूद को हाथ लगाने जैसा। कश्मीर में फोर्स की तैनाती में अटकलों का बाजार गर्म। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए फोर्स बढ़ी हो। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी पर सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए। कहा, असमंजस की स्थिति पार्टी के लिए नुकसान। शशि थरूर ने प्रियंका गांधी से अध्यक्ष बने जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कहा कि प्रियंका पर ही गांधी परिवार फैसला लेगा। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद 2021 की विधानसभा चुनाव में जुटी ममता। आज विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। नागपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने बचाव किया। पुलिस के अमेठी में कैप्टन को कुछ अज्ञात बदमाशों ने पीट पीट कर मार डाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजस्थान के सीकर में छेड़छाड़ करते युवक को ग्रामीणों ने मुर्गा बनाकर पीटा और फिर आगे से ऐसा न करने की गलती की नसीहत के साथ छोड़ दिया। 3 दिन पहले हुई घटना का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में आपसी विवाद में फायरिंग के दौरान पास से सड़क से गुजर रहे कांवड़ियों को लगी आग। घायल कांवड़िए खतरे से बाहर। छिंदवाड़ा के बोहराखेरी गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की पिटाई की। गांव वालों ने 3 हमलावरों को पीट डाला। यूपी के मऊ में नकाबपोश हमलावरों ने पति पत्नी पर चाकू से हमला किया। बाइक सवार हमलावरों ने पति का चाकू से गर्दन काट दिया। पुलिस जांच कर रही है। कानपुर में एक युवक को दारोगा से मोबाइल नंबर मांगना भारी पड़ गया। दारोगा ने युवक को थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल। झांसी में ट्रक में अचानक आई करंट में सुपरवाइजर की मौत। ड्राइवर की बाल बाल बची जान। अर्थिंग की वजह से अचानक ट्रक में करंट आ गया। हरियाणा के झज्जर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर जान बचाई और लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। एमपी के सागर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने महिला को पीटा। निकाला जुलूस। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। नोएडा में बाइक के नाम पर पौंजी स्कीम पर भंडाफोड़। 62,000 रुपए लगातार। 10,000 प्रतिमाह का देते थे झांसा। 25 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। गुजरात पुलिस का एक और टिकटॉक वीडियो वायरल। डीके झाला नाम के कांस्टेबल ने प्रोफेशनल शूट करवाकर वीडियो बनाया। सिम्बा फिल्म के गाने पर वीडियो आधारित। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी से 9 लाख की लूट। नोएडा सिटी सेंटर के पास बाइक सवार बदमाश लूट को अंजाम दे चुके हैं। पंचकुला में शादी का झांसा देकर रूस की महिला से लूट। आरोपी ने फेसबुक पर दोस्ती की और महिला को फेसबुक
के बाद पंचकुला बुलाया। 14,606 यूएस डॉलर और मोबाइल लेकर फरार हो गया। राजस्थान में शनिवार रात से जारी भारी बारिश के चलते कोटा और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़। बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या हुई 22। राजस्थान में बारिश से सबसे ज्यादा कोटा प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में यहां 250 लोगों को एसडीआरएफ की टीमों ने बचाया है। एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, वहीं सीहोर जिले में एक 10 साल का बच्चा बह गया। असम में मरने वालों का आंकड़ा 82 पहुंच चुका है। राज्य में 21,68,000 लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 17 जिले बाढ़ झेल रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। महावीर नगर और जवाहर कॉलोनी में पानी घुटने से लोगों की मुसीबत पड़ी। बूंदी में बारिश का कहर गौवंशों पर भी टूटा। आधी रात के बाद हुई तेज बारिश में 16 गायों की मौत। गौशाला की दीवार टूटने से 100 गायों पर डूबने का खतरा। जोधपुर में बारिश की मार, सोचते ट्रक की सड़क पर आया सैलाब। तेज बहाव में सड़क पर पार कर रहे तीन युवकों की वे बह गए। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बचाया गया। जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से एक मकान ढहा। हादसे में तीन लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला गया। राजस्थान के बारा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। खट्टा गांव के पास काली सोत नदी के पास पार करते हुए वृद्ध तेज धार में बह गया। यूपी के बहराइच में लाकोली गांव में नाव में बैठकर धान रोपने जा रहे किसानों से भरी नाव डूब गई। डूबने से एक महिला की मौत, तीन लोग जख्मी, 9 लोग लापता। उत्तराखंड के मदकोट के मनस्यारी मार्ग पर जान जोखिम में डालकर लोग गाड़ियों को बंद मार्ग से निकालने की कोशिश करते दिखे। गिरे हुए पेड़ से काम चलाऊ पोल बना दिया। एमपी के होशंगाबाद में सिवनी, मालवा और इटारसी शहर बारिश से बेहाल है। शहर की सड़कों पर पानी ही पानी है। रिहायशी इलाकों में भी पानी है। यूपी के बारापंकी के टेपड़ा गांव में नदी के उफान की वजह से कटान की भारी समस्या। लोग खुद अपने मकान तोड़ रहे हैं। करीब 8 से 10 घर पानी में डूब चुके हैं। बिहार के समस्तीपुर दरभंगा रूट में ट्रक पर बढ़ा चढ़ा कर पानी चढ़ा। आधा दर्जन ट्रक कैंसिल हो गए हैं। कई ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए गए। बिहार के कटिहार में गंगा के तेज बहाव में यात्रियों से भरा स्टीमर फंसा। 300 यात्रियों से भरे स्टीमर को दूसरे स्टीमर की मदद से बाहर किया गया। माफ कीजिएगा, लोकसभा में आज राष्ट्रीय मेडिकल आयोग बिल पर होगी चर्चा। इस बिल में किया गया है एमबीबीएस कोर्स के बाद प्रैक्टिस का लाइसेंस देने के लिए परीक्षा के आयोजन का प्रावधान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी का आज होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 1 बजे दी जाएगी आखिरी विदाई। भारतीय स्टार बॉक्सर मैरीकॉम ने प्रेसिडेंट कप में 51 किलो वर्ग में जीता गोल्ड। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अप्रैल फ्रेंच को 5-0 से शिकस्त दी। प्रेसिडेंट कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। 4 महिला मुक्केबाज जबकि 3 पुरुष मुक्केबाजों ने गोल्ड पर कब्जा किया। आखिरी वीडियो में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर श्रीलंका ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। 2-0 से सीरीज जीत ली। अभिशंका फर्नांडे ने सबसे ज्यादा 82 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से एंजेला मैथ्यूज ने नाबाद 52 रन बनाए। कुशल मैंडिस ने 42 रन जोड़े। प्रो कबड्डी लीग में 14वें मैच में दिल्ली ने हरियाणा स्टीलर्स के 41-21 से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। अंक तालिका में टॉप पर है दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग के एक और मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने यूमुमा को 30-26 से हराया। बेंगलुरु की 3 मैचों में ये दूसरी बड़ी जीत है। अर्जुन अवार्ड के लिए एथलीट दूती चंद और खेल रत्न के लिए हरभजन सिंह के प्रस्ताव को खेल मंत्रालय ने खारिज किया। डेडलाइन निकल जाने के बाद नाम भेजे जाने के बाद खारिज हुए। आज सावन के दूसरे सोमवार में शिव भक्त मंदिरों और शिवालयों में कर रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन। हर हर महादेव की गूंज। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की विशेष भस्म आरती। आधी रात से लगी है लंबी कतारें।
एमपी के खंडवा में अंकुर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गूंज रहा है ओम जय शिवाय। नर्मदा में स्नान के बाद जल चढ़ा रहे हैं भक्त। पाकिस्तानी सेना के पब्लिसिटी स्टंटबाज मेजर जनरल आसिफ कफूर बालाकोट स्टाइल को लेकर अपने ही ट्वीट पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आसिफ गफूर ने ट्वीट में कहा था कि बालाकोट में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा।